तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम जा रहे हैं बनाने आलू कचौरी, जो कि त्योहारों में बहुत पसंद किया जाता है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि आज हम कैसे आलू कचौरी बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत कुरकुरी, बिना सोडा वगैरह यूज़ किए हम इसे बनाने वाले हैं और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। इसकी स्टफिंग भी बहुत ही ईजी और बहुत ही जल्दी बन जाएगी। और मैंने यहाँ पर सर्व किया है केचप के साथ। आप चाहें तो इसे हरी चटनी और हरी मिर्च भी फ्राई करके यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं और मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने इसे कैसे बनाया है, और मैं कुछ टिप्स भी बताऊँगी जिससे ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही जल्दी बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जा रहे हैं बनाने आलू कचौरी। तो चलिए बनाते हैं। जिसके लिए मैंने लिया है यहाँ 1 कप आटा, नॉर्मल गेहूँ का आटा, आधा कप मैदा, थोड़ा सा सूजी। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। सूजी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और क्रिस्पी होता है, इसलिए हमने सूजी यूज़ किया है। अब हम इसमें थोड़ा सा अजवाइन ऐसे करके डाल देंगे, थोड़ा सा अजवाइन। और हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। नमक को अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, मीठा तेल, रिफाइंड तेल। हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, इससे हम मोयन देंगे, इससे हमारा कचौरी बहुत ही अच्छा बनेगा और बहुत ही क्रिस्पी रहेगा और फूला फूला रहेगा। थोड़ा सा और तेल डालेंगे ताकि सूखा आटा थोड़ा बंधने लगे। उसके बाद हम इसे आटा एक लगा लेंगे, अच्छा सा डो। आपको ज़्यादा कड़क भी इसका आटा नहीं लगाना है, जैसा हम नॉर्मल चपाती वगैरह बनाते हैं वैसे ही आटा हमको इसका बनाना है। तो ये देखिए ऐसा बनना चाहिए, ये हो गया है। अब हम इसमें पानी ऐड करके एक अच्छा सा डो बना लेंगे। ये देखिए ऐसे हमको चेक करना है। तो चलिए अब हम इसको डो बनाते हैं। हमारा यहाँ आटा रेडी हो गया है। चलिए हम इसे साइड में रख लेते हैं और अब हम आलू की स्टफिंग करते हैं। इसे हमें ढक के रखना है जब तक हम आलू की स्टफिंग करेंगे, अच्छे से फूल जाएगा और फिर इस एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद जो इसमें सूजी है वो आटा एब्जॉर्ब कर लेगी। तो चलिए अब हम आलू की स्टफिंग तैयार करते हैं। हमारा आलू मैश हो गया है। मैं आपको बताती हूँ कि हमने मसालों में क्या क्या लिया है जिससे हमारा स्टफिंग बहुत अच्छा रेडी होगा। तो चलिए यहाँ पर मैंने लिया है साबुत धनिया, थोड़ा सा जीरा, ये बेसन मैं बताने वाली हूँ कि हम ये कहाँ यूज़ करेंगे, और दो हरी मिर्च और एक छोटा सा अदरक और एक लहसुन। यहाँ मैंने लिया है थोड़ा सा गर्म मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर तीखा वाला, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। तो पहले हम ये तीनों को जार में ग्राइंड कर लेंगे, ये तीनों को साथ में। ये देखिए मैंने दरदरा सा पीस लिया। आप चाहें तो मिर्ची अदरक लहसुन को अलग से कूट लें और धनिया और जीरे को अलग से ग्राइंड कर लें। मैंने एक ही साथ ग्राइंड कर लिया है क्योंकि वैसे भी हमको तेल में इसे फ्राई करना है, रोस्ट करना ही है, इसलिए मैंने एक ही में ले लिया है। तो चलिए हम आलू की स्टफिंग रेडी करते हैं। हमारा कढ़ाई गरम हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। हमारा तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें ये ग्राइंड किए हुए मसाले, सारे मसाले डाल देंगे।
जलाना नहीं है, अच्छे से रोस्ट करना है। ये देखिए हम इसमें स्पाइसेस डाल देंगे, हल्दी और गरम मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर तीखा वाला, क्योंकि मैंने मिर्ची दो ही यूज किया था, इसे हमें जलाना नहीं है। मैं बेसन इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आलू थोड़ा सा गीला हो जाता है स्टफिंग बनने के बाद, तो बेसन सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा इस और हलवाई जैसा टेस्ट आएगा, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा बेसन यूज़ करेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो बेसन एब्जॉर्ब कर ले और एकदम बाहर जैसा टेस्ट आए, एकदम टेस्टी सा। ये देखिए हमारे मसाले अच्छे से भून गए हैं, अब हम इसमें आलू ऐड करते हैं। आलू को हमको अच्छे से मिला देना है, ये देखिए हमारा स्टफिंग अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे एकदम बाहर जैसा टेस्ट आने के लिए, एकदम बाहर जैसा टेस्ट आएगा आप भी ट्राई जरूर करिए, काला नमक, जिससे एकदम हलवाई जैसा टेस्ट आने वाला है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है काला नमक से। इसमें थोड़ा सा काला नमक ऐड किया है और थोड़ा सा नमक स्वादानुसार मिक्स करना है। आप इसे करवा चौथ में बनाएं, दिवाली में बनाएं, बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं जा रहे हैं, तो त्योहारों में कुछ नया तो बनना चाहिए, कुछ स्पेशल तो बनना चाहिए, तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। हमारा स्टफिंग भी बहुत अच्छे से रेडी हो गया है, अब चलते हैं। स्टफिंग को हम थोड़ी देर ठंडे होने के लिए रख देते, तब तक हम आटे के पेड़े बना लेते। चले ही देखते हैं हमारा आटा कैसा सेट हुआ है। हमारा स्टफिंग रेडी हो रहा है, ठंडा हो रहा है, तब तक हम देख लेते हैं। देखिए हमारा आटा बहुत ही अच्छा सॉफ्ट हो गया है, अभी हम इससे छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। ऐसे हमको बहुत सारे पेड़े बना लेने हैं। हमारे पेड़े बनके तैयार हो गए हैं, अब चलिए हम देखते हैं अपना स्टफ। ठंडा रहेगा तो ये रहेगा कि थोड़ी स्टफिंग कड़क हो जाती है और फटती नहीं है, तो अब हम इसके छोटे छोटे गोली बना लेंगे। ऐसा हमको छोटा छोटा बना लेना है और फिर हम उसमें स्टफ करेंगे। हमने स्टफिंग बना ली है, यहाँ हमारे पेड़ हैं। अब हम साइड में कढ़ाई भी गरम करते हैं, तेल धीरे धीरे वो गरम होगा और तब तक हम इसे बना लेते हैं। ऐसे ऐसे हमको करके बीच में स्पेस देना है, ऐसे स्टफिंग रख के। ये देखिए आप चाहें तो इसे निकाल भी लें या इसी में ऐसे ही मोड़ दें और इसमें ऐसे ऐसे करके प्रेस करना है। ये देखिए बिना बेलन के हमारी कचौरी रेडी है। हमारे सभी कचौरियाँ बनके तैयार है, अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। चलिए तेल गरम हो रहा है हमारा, हमें आराम से 10-5 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है।
इतना बढ़िया से रेड रेड ये होता जा रहा है। इसे अच्छे से थोड़ा सा तेज आंच पे इसे लाल करना है ताकि एक अच्छा सा कलर आ जाए। आप भी ऐसे ट्राई किए, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और बहुत खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। हेलो एवरीवन, तो हमारा आलू कचौरी तैयार हो गया। देखिए कितनी ही बढ़िया से ये फूली हुई है, देखिए एकदम अच्छे कुरकुरे छे। देखते हैं हम इसमें, ये देखिए कितनी बढ़िया से ये फूल गई है, कितनी क्रिस्पी और क्रंची हुई है, देखिए बहुत ही बढ़िया हुई है ये। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिए, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, जरूर वीडियो को लाइक करना।